नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनकी फेस पे पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, उसे कैसे मिटाएं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हटाएं। और ख़ास करके हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ था कि सर मेरी ऑयली स्किन है, कैसे दूर करें पिंपल्स को। सबसे अच्छा उपाय होता है पिंपल्स को दूर करने के लिए कि आप खीरा लीजिए और खीरे को काट दीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए उसके, कुतर करके, और उसका रस निकाल लीजिए। या फिर अगर आपके पास जूसर है तो खीरे का जूस निकाल लीजिए और उस रस को फेस पर अच्छे से लगाइए, छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए। फिर इसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए या फिर गुलाब जल को पानी में मिक्स करके फेस पे लगाते रहिए। हर आधे घंटे बाद फेस पे मार दिया कीजिए उसको, पानी जैसे मारते हैं हम लोग वैसे पानी में मिक्स करके और फेस पे मार दिया कीजिए, आपके पिंपल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं और वो इससे जूझते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे दूर हो। इसी में कई लोगों को क्या हो जाता है दोस्तों कि फेस पे पिंपल्स होकर के दाग धब्बे भी बन जाते हैं, फिर फेस का जो ग्लो हो है वो खो जाता है। तो ये जो है, अगर आप पिंपल्स होते ही आप खीरे का पानी पानी में मिक्स कर करके खीरे का जूस और अगर फेस पे लगाते हैं तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग और बहुत हेल्दी हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे, आप बेहद खूबसूरत दिखेंगे, आपकी स्किन स्मूथ होगी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आज हमारे जो श्रोता हैं इनकी ये समस्या थी कि अपने चेहरे से और ख़ास करके इनकी जो स्किन थी वो ऑयली थी, तो कैसे दूर करें पिंपल्स को। तो ये हमारा आज का नुस्खा रहा दोस्तों। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।